स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मार्केट साइंटिस्ट में। और आज के इस एपिसोड में देखेंगे तो आइडिया वोडाफोन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस स्टॉक में आज हमने देखा कि एक यहां देखेंगे कंसोलिडेशन के बाद एक अप ट्रेंड आते हुए दिखा है और ये एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट के बाद एक वन साइडेड अप ट्रेंड इस स्टॉक में दिख सकता है। तो इस स्टॉक के चार्ट को डिस्कस करें, इससे पहले इसके न्यूज को हम देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूज मैं आपको दिखाऊं कि यहां देखेंगे लास्ट थ्री मंथ ओवर 1200 इंप्लाई अपलोडेड वेरियर जॉब अपॉर्चुनिटी विद गुजरात। गुजरात के अंदर आइडिया वोडाफोन ने लगभग 40,000 जॉब के लिए इस समय कोलैबोरेशन करी है। देखेंगे अपना .com एक डिजिटल वेबसाइट है, जॉब का एक वेबसाइट, और इसके साथ कोलैबोरेट करके 40,000 जॉब अपॉर्चुनिटी गुजरात के अंदर में पार्टनरशिप के थ्रू इनेबल करने जा रही है। तो सिंपली आप समझेंगे कि एक समय था जब वोडाफोन आइडिया सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा था और इस समय मोर देन 40,000 जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। इसके साथ ही देखेंगे कैबिनेट अप्रूव्ड कन्वर्जन ऑफ टेलीकॉम डी टू ऑन टू गवर्नमेंट इनटू इक्विटी सितंबर 2021 की ये न्यूज है कि जो इक्विटी था इक्विटी को कन्वर्जन किया जाएगा और ये होल्डिंग गवर्नमेंट को दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ड्यूज है, टेलीकॉम ड्यूज है, उसके बदले कन्वर्जन ऑफ इक्विटी को अपना वोडाफोन आइडिया ने अपनाया था और इस समय थोड़ा बहुत कंसर्न हो रहा है गवर्नमेंट को आइडिया वोडाफोन के सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनने के लिए। और जिस दिन ये अप्रूवल आता है उस दिन ये ट्रेंड एज लाइक यस बैंक आपको कंटिन्यू आते हुए दिखने वाला है। मेरा पर्सनली मानना है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी है उनको इस स्टॉक में जो SL लेकर के फॉलो करना है, 8.50 रुपीज के SL को फॉलो करेंगे, ये ट्रेंड यहां ब्रेकआउट देने के बाद पहला टारगेट 10 रुपीज, दूसरा टारगेट 11.50 रुपीज टू 12 रुपीज तक के टारगेट आइडिया वोडाफोन में श्योरली देखने को मिलने वाला है। और यहां से देखेंगे कि जो 12 के भी जो टारगेट है इस प्राइस से ही आप देखेंगे तो अराउंड 25% तक का इजी टारगेट दिखता है। मेरा पर्सनली मानना होगा कि कम से कम अगर इस स्टॉक में आप होल्ड करते हैं तो 100 प्लस तक के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। 17-20 तक के टारगेट दिख सकते हैं। एक जो न्यूज हमने अभी कहा, जो न्यूज इस समय पेंडिंग है, गवर्नमेंट कंसर्न हो रही है, ये न्यूज अगर कंफर्म होता है तो ये ट्रेंड आपको श्योरली आउट परफॉर्म करते हुए ये स्टॉक दिखने वाला है। कभी भी देखेंगे तो ट्रेंड ऐसे या ऐसे नहीं बनता है। यहां देखेंगे ये डाउन अगेन अप, ये डाउन अप अगेन डाउन अप, तो इस प्रकार से ट्रेंड बनता है। जिस प्रकार से डाउन ट्रेंड यहां से हो सकता है, एक बार रिटेस्ट करे, अगेन इसको रिटेस्ट करे, अगेन इसको रिटेस्ट, और इस प्रकार से आपको ट्रेंड कंटिन्यूस आइडिया वोडाफोन में दिख सकता है। लेकिन एक मेरा कंसर्न मेरा भी ये है कि इस स्टॉक में अगर आप बाइंग करते हैं तो क्वांटिटी लिमिटेड होना चाहिए, इस प्रकार के स्टॉक में निवेश रिस्की हो सकता है। यहां देखेंगे ट्रेंड पिछले 3 मंथ से कंटिन्यूस अप ट्रेंड बायसनेस के साथ ट्रेड हो रहा है, तो इस समय मुझे नहीं लगता कि पर्सनली आपको इस स्टॉक में कंसर्न होना चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा रेड इस स्टॉक में नहीं दिख रहा है तो ट्रेंड इस स्टॉक में ले सकते हैं। थैंक यू।